हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन आईएएस। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ नेहरूवियन एरा। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग नेहरू और नेहरू के जो फॉरेन पॉलिसी थी, ड्यूरिंग नेहरू इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके बारे में हम इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। देखिए, द इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग नेहरू, तो नेहरू की एरा क्या थी जो कि हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्रॉम 1952 टू 64। वैसे नेहरू 1952 के पहले भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, लेकिन दैट वॉज एन इंटरिम गवर्नमेंट, दैट वॉज अंडर इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम चल रहा था। उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर्पज के वजह से इंटरिम गवर्नमेंट में वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टुक प्लेस इन 1951-52, और उसके बाद जब नेहरू पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, दैट फ्रॉम दैट टाइम पीरियड इट इज काउंटेड। ओके, नाउ लुक, इन 1955 इन द अवधि सेशन अ रेजोल्यूशन वॉज पास, अ रेजोल्यूशन वॉज एडॉप्टेड जिसके अंदर सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी वॉज एडॉप्टेड। देखिए, इसके पहले हमने ये डिस्कस किया था ना कि इंडिया एडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी विथ सोशलिस्ट पैटर्न, मिक्स्ड इकोनॉमी विथ सोशलिस्ट पैटर्न, राइट। दिस वॉज एडॉप्टेड इन द ईयर 1955। दिस वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। सेकेंड इज इन द नागपुर सेशन इन द ईयर 1958 कोऑपरेटिव फार्मिंग वॉज एडॉप्टेड। अब देखिए, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। वन वॉज कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड द सेकेंड वन वॉज लैंड सीलिंग एक्ट। ओके, नाउ कोऑपरेटिव मूवमेंट वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गांधीयन मॉडल। इवन इन डीपीएसपी जो कोऑपरेटिव की बात की गई है, दैट कम्स अंडर गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी। तो जो कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत की गई थी वो नागपुर सेशन में अडॉप्ट किया गया था, और उसी के साथ साथ ये जो लैंड सीलिंग एक्ट वॉज इनैक्टेड, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म, दिस वॉज ए पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म, राइट। तो लैंड रिफॉर्म बेसिकली क्या थी? लैंड रिफॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जो परमानेंट सेटलमेंट या ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के वजह से जो जमींदारी सिस्टम, एक न्यू टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव जमींदारी सिस्टम इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में आया हुआ था, उसका एबोलिशन करना, ठीक है। तो एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट जो पहले ही पास हो चुकी थी, एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट वो पहले ही पास हो गया था अंडर लैंड रिफॉर्म एक्ट, राइट। अब देखिए, एबोलिशन ऑफ जमींदारी में तो जमींदारी को तो एबोलिश तो कर दिया गया था, लेकिन एक एक जमींदार के पोजीशन में जो बहुत ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड हुआ करता था उसको कैसे खत्म किया जाए, और ये जो लैंडलेस मासेस थी उसके उसको कैसे उनके अंदर कैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी लाया जाए ताकि कुछ लैंड उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पे फंडामेंटल राइट था, तो अगर जमींदारी एबोलिशन के बाद अगर जमींदार से उनकी लैंड छीन लिया गया होता तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे थे और अंडर अंडर आर्टिकल 32 रिट पिटिशन फाइल कर दे रहे थे, राइट। तो अब लैंड सीलिंग एक्ट पास किया गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, जिसके अंदर ये बोल दिया गया कि यस पीपल हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, अप टू अ सर्टेन लिमिट विथ रिगार्ड टू लैंड, ओनली विथ रिगार्ड टू लैंड। तो उस सर्टेन लिमिट के ऊपर अगर क्रॉस करेगा किसी के लैंड ओनरशिप पे, किसी का अगर लैंड है तो उसके वो जो एक्स्ट्रा जो लैंड है वो सरकार फोरफिट कर लेगी और उसको जो लैंडलेस पीपल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दैट वॉज द मेन कॉन्सेप्ट, ओके। और इसके क्या फॉलोआउट थे, इसके क्या चैलेंजेस थे, वो तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब वी विल डिस्कस एंटायरली अबाउट द लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, ओके। बट दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट व्हिच वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1958। द थर्ड इंपॉर्टेंट इंसिडेंट वॉज द प्रेसिडेंट रूल इन केरला, राइट। नाउ दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। हुआ था ये, देखिए,
कि इन द ईयर 1957, इन द ईयर 1957 केरला में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आया, कम्युनिस्ट पार्टी। नाउ दिस वाज इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टू पॉइंट। वन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड अ कम्युनिस्ट पार्टी हैज कम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। इसके पहले पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आए हुए थे तो दैट वॉज नॉट थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स बट दैट वॉज थ्रू रेवोल्यूशन, इन मोस्ट केसेस वायलेंट रेवोल्यूशन, चाहे वो रशिया हो, ओके, चाहे वो चाइना हो, हर किसी जगह पे। बट इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एनी कम्युनिस्ट पार्टी केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, थ्रू इलेक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट विथ रिगार्ड टू दिस पॉइंट। एंड द सेकेंड वन इज इन 1956 पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी, सिंगल पार्टी डोमिनेंस चल रहा था, और उस डोमिनेंस के अंदर रहते हुए भी एक ऑपोजिशन पार्टी पावर में आया था किसी स्टेट में, एक ऑपोजिशन पार्टी पावर में आया था किसी स्टेट में। तो विथ रेस्पेक्ट टू द वर्ल्ड इट वॉज इंपॉर्टेंट, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया इट वॉज इंपॉर्टेंट। ओके, अब अंडर आर्टिकल 356, अंडर आर्टिकल 356 विच टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल, जो कि पॉलिटी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इन 1959 सिर्फ दो साल बाद इस पार्टी को पावर से हटाने के लिए कुछ एक एक्सक्यूज लेके अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया था केरला के ऊपर। बहुत सारे हिस्टोरियंस का यह मानना है कि दिस वॉज ए ग्रॉस मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 एंड दैट टुक प्लेस, दैट फर्स्ट टुक प्लेस इन 1959। और इसके बाद आर्टिकल 356 हैज बीन मिसयूज्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम, और इतना मिसयूज इसका हुआ है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इन 1990s इन एसआर बोमाई केस, इन एसआर बोमाई केस सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल एक इंटरप्रिटेशन देना पड़ा और एक गाइडलाइन भी देना पड़ा, एक गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और यह भी कहा गया कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाएगा दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, राइट। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस, राइट। चौथा देखिए, इंडो चाइना वॉर इन 1962। जैसे कि हमें पता है कि इन द ईयर 1962 इंडो चाइना वॉर टुक प्लेस वेयर वी हैड टू कंसीडर डिफीट। और इंडो चाइना वॉर को हम आगे चल के इसी क्लास में फॉरेन पॉलिसी में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली इन द ईयर 1964 नेहरूज डेथ, राइट। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग नेहरू, राइट। नाउ लेट अस सी द फॉरेन पॉलिसी। नंबर वन इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वॉज इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, इसलिए क्योंकि इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स उस टाइम पे क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर। इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स देयर वॉज कोल्ड वॉर गोइंग ऑन। एक तरफ था कैपिटलिस्ट ब्लॉक, अंडर यूएसए, और दूसरी तरफ थे कम्युनिस्ट ब्लॉक। Under USSR. Now the world was divided into two blocks, two groups. Us time pe the world, in the world politics, everything was being viewed either in black or white. If you are with us, if you are not with us, then you are with our enemy. There was no middle path in the world politics at that time. लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी दैट
वॉन्टेड दैट वॉन्टेड टू अडॉप्ट अ मिडिल पाथ। एंड वो इसका लॉजिक, इसका आर्ग्यूमेंट, जस्टिफिकेशन यही था कि वी हैव बीन इंडिपेंडेंट ओनली अ फ्यू ईयर्स एगो, वी आर स्टिल अ वेरी न्यू नेशन, वी स्टिल आर वेरी मच इकोनॉमिकली पुअर, वी आर स्टिल वेरी मच सोशली अनडेवलप्ड, पॉलिटिकली अनडेवलप्ड। तो इस टाइम पे हम इस टाइप के दो ब्लॉक में डिवाइड नहीं हो सकते, हमें उन सारे जगह से बेनिफिट लेना होगा जहां से हमें वो बेनिफिट मिले, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डिपेंड ऑन मेनी फॉरेन कंट्रीज, फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवन फॉर इन्वेस्टमेंट वी हैव टू डिपेंड ऑन द फॉरेन कंट्रीज। तो अगर हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चले जाएंगे तो हम कम्युनिस्ट ब्लॉक के एनिमी बन जाएंगे, और अगर हम कम्युनिस्ट ब्लॉक में चले जाएंगे तो हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक के एनिमी बन जाएंगे। लेकिन हमें तो चाहिए, बहुत सारी हेल्प चाहिए, हमें असिस्टेंस चाहिए, चाहे वो कोई कैपिटलिस्ट ब्लॉक की कंट्री हो या फिर कोई कम्युनिस्ट ब्लॉक की कंट्री हो। तो हम किसी भी ब्लॉक में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारा जो जो फॉरेन पॉलिसी था, स्पेशली ऑफ नेहरू, इट वॉज ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ना तो हम किसी कैपिटलिस्ट ब्लॉक में है, ना तो हम कम्युनिस्ट ब्लॉक में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। एंड इट इज अ पैसिव पॉलिसी, पैसिव फॉरेन पॉलिसी। ये एक दो मिसकंसेप्शन है अबाउट द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दोनों कंसेप्शन गलत है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब ये था कि ये तो है, एक तो है एक एक्टिव पॉलिसी। देखिए, न्यूट्रलिटी एंड पैसिव दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। ना तो हम इस ब्लॉक में है, ना तो हम इस ब्लॉक में है, ना तो हम इससे मदद लेंगे, ना हम इससे मदद लेंगे, ना हम इसके साथ एसोसिएट होंगे, ना हम इसके साथ एसोसिएट होंगे। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी और पैसिव। लेकिन हमारा कहना था, हमारे अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू नीड, हमें जिस टाइम पे जिसके साथ एसोसिएट होना होगा हम होंगे। हमारा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है किसी के लिए, कोई परमानेंट एसोसिएशन नहीं है। दैट इज वॉट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सेज, कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारा नेशनल इंटरेस्ट, और एंड फॉर द नेशनल इंटरेस्ट हमें जिससे मदद लेना होगा हम लेंगे। तो इट इज बेसिकली एंगेजमेंट, इट इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ नॉन एंगेजमेंट, इट इज अ पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट, एंड हेंस इट इज एन एक्टिव पॉलिसी, एंड इट इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, राइट? सो दिस वॉज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एट दैट टाइम अडॉप्टेड बाई नेहरू। सेकेंड वन वॉज एफ्रो एशियन सॉलिडरिटी। एफ्रो एशियन सॉलिडरिटी, देखिए, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वॉज अ एंटी कॉलोनियल वेव। ये एंटी कॉलोनियल वेव क्यों हुआ था? क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के लिए किस चीज को जिम्मेदार ठहराया? कॉलोनाइजेशन को। बिकॉज इट वॉज ए कॉलोनियल वॉर, कॉलोनी के पोजिशन के लिए ये दो विश्वयुद्ध हुआ था। इसीलिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू जब पीस एंड स्टेबिलिटी की बात की जा रही थी और यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, तो देयर वॉज अ वेव ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म। एंड हेंस वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही हमें देखने को मिलता है एक के बाद बहुत सारे कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, बोथ इन एशिया एंड अफ्रीका। इंडिया इनफैक्ट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशन टू बी इंडिपेंडेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। एंड इन द ईयर बाई द ईयर 1960s बहुत सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुके थे, ज्यादातर जिसमें से अफ्रीकन कंट्रीज थे। तो जो एशियन कंट्रीज हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स, जिसके वजह से इनका काफी एक्सप्लॉयटेशन हुआ और एशियन कंट्रीज गरीब बन गए। द सेम गोज ऑन विथ अफ्रीका,
अफ्रीका भी, अफ्रीका इज ऑल्सो वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्स, और वहाँ के भी काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था बाय द, किसने किया था, यूरोपियन पावर्स ने। तो अफ्रीका के प्रति नेहरू का एक सॉलिडारिटी, राइट? तो एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी वॉज एन इम्पॉर्टेंट यू नो फीचर ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी। नाउ बोथ दिस पॉइंट, पॉइंट पॉइंट नंबर 3 और 4 आर रिलेटेड, सपोर्ट टू चाइना, और उसी सपोर्ट पे उनका एक पॉलिसी था, द पॉलिसी ऑफ पंचशील। पंचशील मतलब उसमें 5 प्रिंसिपल है, देर आर 5 प्रिंसिपल। देखिए, इन द ईयर 1947 इंडिया आजाद होता है, एंड इन 1949, इन 1949 चाइनीज रेवोल्यूशन होता है। चाइनीज रेवोल्यूशन होता है, और चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद इन द ईयर 1949 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पावर में आता है, राइट? तो नेहरू का जो कहना था कि बोथ इंडिया एंड चाइना आर नेबर्स एंड दे आर वेरी, बोथ आर वेरी बिग कंट्री, बोथ आर वेरी बिग कंट्री, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम बोथ द कंट्रीज फेसेस, दैट इज पॉपुलेशन, इलिटरेसी, पॉवर्टी एटसेट्रा, बोथ द कंट्रीज फेसेस सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो अगर दोनों को दोनों को को एग्जिस्ट करना है, या फिर दोनों को एग्जिस्ट करना है, तो एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल थ्रू को एग्जिस्टेंस। दैट वॉज वॉट नेहरू स्टेटमेंट वॉज, एग्जिस्टेंस वॉज पॉसिबल थ्रू को एग्जिस्टेंस। मतलब दोनों, और दोनों इंडिया और चाइना को पीसफुली को एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाके इस रीजन का, पूरे एशियन रीजन का डेवलपमेंट होगा, राइट? तो अंडर पंचशील 5 पॉलिसीज एडॉप्ट की गई थी, 5 पॉलिसीज पॉइंट एडॉप्ट किया गया था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी, दोनों एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हामी हानि नहीं पहुंचाएगा, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन towards each other, mutual non-interference in the internal matters of each other, equality and mutual benefit, and finally peaceful coexistence. These are the 5 points of Panchsheet. इसी Panchsheet के ऊपर basis करके India gave up its claim on Tibet, because Tibet was being claimed by China at its as its integral part. India gave up its claim on Tibet. लेकिन जब 1962 में, इन द ईयर 1962 चाइना अटैक्ड इंडिया, दैट टुक प्लेस इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। तो नेहरू का जो चाइना के ऊपर ट्रस्ट था, दैट ट्रस्ट वॉज टोटली ब्रोकन। चाइना ने हमें बैक स्टेप किया, चाइना बिट्रेड द इंडियन लीडरशिप। बहुत सारे लीडर्स का यह कहना है कि नेहरू शुड हैव बीन दिस मच फार साइटेड, ताकि वो चाइना के जो इंटेंशन है वो उस इंटेंशन को समझ पाए, बट द फेलियर ऑफ नेहरू एट दैट टाइम वॉज ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ चाइना, अंडरस्टैंड द ट्रू इंटेंशन ऑफ चाइना। He failed to understand the true intention of China. That was his only failure. तो 1962 वॉर में जब इंडिया को काफी डिफीट होता है, तो जो जम्मू एंड कश्मीर में जो अक्साई चीन एरिया है, दैट केम वेंट इन द हैंड ऑफ चाइना, और इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश भी चाइना के हाथ में चला जाता है। बाद में जब
ठंड आती है तो अरुणाचल प्रदेश में जब बर्फ गिरती है तो चाइनीज आर्मी वैकेटेड दिस पीस ऑफ लैंड, और जब उसने वैकेट किया तो इंडियन सोल्जर जाकर के अरुणाचल प्रदेश में अपने पोजीशन में ले लिया। तो अरुणाचल प्रदेश तो हमारे हाथ में आया, चाइना के हाथ में जाने के बाद भी हमारे हाथ में आया, लेकिन जो अक्साई चीन एरिया है दैट वॉज नेवर वैकेटेड बाई चाइनीज आर्मी, और यह आज भी अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, आज भी पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है द अक्साई चीन एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर, अ ह्यूज टेरिटरी, राइट। तो इट वॉज वन ऑफ द फेलियर विथ रिगार्ड टू चाइना ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। एंड द फिफ्थ पॉइंट वॉज ट्रस्ट ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। नेहरू वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द दे आर जस्ट पीपल, दे आर जस्ट पीपल, दे विल गिव जस्टिस। और इसी वजह से जब इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी और पश्तून ट्राइब से जम्मू एंड कश्मीर में लड़ रहा था तो नेहरू वेंट टू द यूनाइटेड नेशन, और जब यूनाइटेड नेशन पे वो चले गए तब यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर डिक्लेयर कर दी, और उसी सीज फायर जो लाइन ये हुआ, सपोज दिस इज द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया, ठीक है, तो यहां तक इंडियन आर्मी पहुंचा था, और कुछ दिन होता तो हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी को धकेल के बाहर निकाल देता, लेकिन उसी टाइम पे नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए, तो वहां पे सीज फायर लाइन, सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, एंड दिस लाइन वॉज डिक्लेयर्ड एज द सीज फायर लाइन। बाद में चल के यही लाइन को बना एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड दिस रीजियन बिकेम पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। नेहरू का जो बिलीफ था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि वो यूनाइटेड नेशन चले गए थे, क्योंकि उनको लगा था कि इट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हु विल गिव अस जस्टिस। तो ये दो बड़ा फेलियर रहा उस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी में, नेहरू के टाइम पे फॉरेन पॉलिसी में, जो कि आज के टाइम पे इवन इन द प्रेजेंट टाइम काफी हिंड्रेंस क्रिएट करता है इंडियन इंडियन इंडिया के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट नेहरू, नेहरूज एरा। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाल बहादुर शास्त्री।